Please welcome the mighty money and the beasts from the east, the Bengal Warriors! Season 7 champions, Bengal Warriors. This season, एक लौटी ऐसी टीम है जो कि अब तक unbeaten है. Mighty Maninder का जलवा इस सीजन बखूबी नजर आ रहा है. 1276 रेड पॉइंट. प्रदीप नरवाल के बाद प्रो कबड्डी के दूसरे सबसे सफल रेडर हैं माइटी मनिंदर. और आज बंगाल को एक बार फिर से वही करके दिखाना होगा जो अब तक हर मुकाबले में करती हुई नजर आ रही है. Pune, are you ready? It's time to welcome the home team, Pune. फल्टन ने सीजन 10 में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. दो जीत और एक शिकस्त के साथ ही अपने चौथे मुकाबले में उतर रही है. जहां तक पुनेरी फल्टन का सवाल है, ये एक ऐसी टीम है जिसका हर पुर्जा काम कर रहा है, लेकिन इस टीम में नेतृत्व की और अनुभव की कमी निसंदेह झलकती है. उस पर काम करने की जरूरत है. अगर आज पुनेरी फल्टन एक बेहतर तालमेल और कॉम्बिनेशन के साथ मिले तो ये मुकाबला गजब का प्रदर्शन का होगा. कुछ देर पहले हुआ टॉस. बंगाल वॉरियर्स ने टॉस में बाजी मारी. पहली रेड करेंगे पुनेरी पल्टन, यानी कि रेड में आएंगे असलम, मोहित या पंकज. पहली रेड. और तीन बेहतरीन रेडर हैं टीम के पास, अच्छे यंगस्टर्स हैं. कप्तान हैं असलम इनामदार. कुल मिलाकर 328 रेड पॉइंट है इनके. 8 के आसपास का औसत है. इस सीजन ठीक ठाक किया है, और बेहतर करने की इनमें क्षमता है. यहाँ असलम इनामदार, ये देखिए शुभम शिंदे के जोन में बार बार जाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि असलम लेफ्ट रेडर. यहाँ बंगाल वॉरियर्स के कोच के भास्करन साहब जयपुर पिंक पैंथर्स के पहले सीजन कोच थे, ट्रॉफी उनके साथ उठाई थी. और माइटी मानिंदर का शिकार किया पहली ही रेड में. रेडर आउट, चेन नहीं करा है, पुनेरी पल्टन को बाहर भेजा. गौरव खत्री चेन के अंदर थे, बहुत ही जबरदस्त टैकल किया उन्होंने. बिल्कुल, इस बेहद रोमांचक मुकाबले के साथ हम हाजिर हैं. मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ हैं कुणाल सलूजा और जाने माने कबड्डी के खिलाड़ी. पंकज मोहितो को यहां कामयाबी मिली. कवर पोजीशन को रनिंग हैंड से बाहर का रास्ता दिखाया. श्रीकांत यादव रेड में, करियर में 631 रेड पॉइंट, 15 सुपर टेन. और बंगाल वॉरियर्स के इस सीजन भाग खुले हैं क्योंकि मनिंदर को साथ मिला है श्रीकांत का. और यहां के लिए लगा था श्रीकांत, कामयाब होते लेकिन डैश आउट हुए. भाई कमाल का डैश, 1 पॉइंट पुणे ने बचा. लम्हे में जिस बेहतरीन टाइमिंग के साथ ये डैश किया गया, उसकी जितनी तारीफ करें अविनेश की कम. और माइटी मनिंदर इस मुकाबले में दूसरी बार रेड करने हैं. शुरुआत की थी तो टैकल कर दिए गए, लेकिन प्रो कबड्डी के दूसरे सबसे कामयाब रेडर और शादलू बनाम मनिंदर की जंग में. मनिंदर ने बाजी मारी, 2 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स के हैं, नहीं 3. सुपर रेड से जब मनिंदर करे शुरुआत तो फिर क्या बात, क्या बात, क्या बात. जबरदस्त रेड थी मनिंदर की. बोनस भी लिया, शादलू को भी लिया. शादलू पैर पकड़े ना पकड़े ये सोचते रहे, इनको कौन जोन आउट करेगा, क्योंकि जब तक मनिंदर मैट पर है तब तक पुणे के लिए जीतना बहुत मुश्किल है. 4 के डिफेंस में मनिंदर, पिछली रेड लगाई थी सुपर रेड. और यहाँ शिकार किया मनिंदर का. यही तरीका है, एकजुट होकर आइए. बहुत अंदर चले गए थे मनिंदर और 4 के डिफेंस में फिर अपना रास्ता निकाल नहीं सके, एस्केप नहीं कर सके. मनिंदर ज्यादा अंदर चले गए थे, मूवमेंट स्पीड थी. और पंकज मोहिता शानदार थर्ड रेड का इंतजार कर रहे हैं. और ये डू ऑर डाई आ गई, ये मुश्किल का काम है. 5 का डिफेंस है. वैभव गर्जे चेन में है, चेन से अलग खड़े हुए वैभव गर्जे एंड टच की कोशिश. पर मुश्किल किसके लिए, क्योंकि डू ऑर डाई रेड स्पेशलिस्ट है मोहित. रेड स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है जब डू ऑर डाई रेड में आते हैं. क्या यहाँ बंगाल का डिफेंस गलती करेगा,
शुभम शिंदे आगे जाएंगे, मोहित गलती करवाएंगे या फिर चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। 3-2-1 मोहित बाहर। डिफेंस ने खुद को संभाल के रखा। 1 point ले लिया मोहित ने। 2.5 में अगर आप इतना वक्त निकालेंगे तो दिक्कत होगी। पहला डिफेंस में पॉइंट वॉरियर्स का। आदित्य शिंदे ने पूरा टाइम दिया, डिफेंस ने कोई गलती नहीं की, रेडर से गलती करवाई और यही सबसे दादा सबसे अच्छा डिफेंस इसी को माना जाता है और ये अच्छा टैकल करके दिखाया है आदित्य शिंदे। बिल्कुल 2.5 में आप रेडर को खेलने दीजिए, आखिरी लम्हों में वो कोशिश करेगा और आमतौर पर सफलता उसे मिलेगी नहीं। और यहाँ थोड़ा सा मुझे लगता है वार्निंग मिलेगी मोहित को। असलम इनामदार का बेहतरीन बैक होल्ड कप्तान ने शिकार किया। जर्सी नंबर 4 प्लीज, यू फर्स्ट आउट ऑफ बॉल। लेकिन शायद अभिनेश नादराजन सेल्फ आउट। आज की रात दूसरी बार शायद सेल्फ आउट हो रहे हैं और अगर सेल्फ आउट खिलाड़ी मतलब स्ट्रगल से पहले अगर कोई खिलाड़ी बाहर चला गया है, ये देखिए जर्सी नंबर 4 स्ट्रगल से पहले पैर बाहर गया और अगर उसने स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया जो कि यहां वो करते हुए नजर आ रहे हैं तो रेडर सेफ करार दिया जाएगा और विरोधी टीम को मिलेगा पॉइंट। तो जैसा मोहित ने बनाया दोनों टीमें अब सिर्फ और सिर्फ डू अडाई पर और एक बार फिर डू अडाई में 5 के डिफेंस में मुश्किल काम है। यहां पर देखना होगा क्या कामयाबी मिलेगी। पंकज मोहिते डू और डाई रेड में अगर आपकी 2 रेड लगातार खाली जाती हैं तो तीसरी रेड में पॉइंट लाना अनिवार्य है वरना बाहर जाएंगे। बोनस उड़ान भरी थी लेकिन बंगाल के शेरों ने इस उड़ान पर रोक लगाई। 1 point बंगाल वॉरियर्स। अंतिम 10 मिनट बाकी और शुरुआत ही सीधे डू और डाई रेड से और बड़ा शिकार लेफ्ट कॉर्नर के बंपर शेर का शिकार MR Shadlu, Mr. Shadlu, you gotta go back. ये रॉफ सुपर टैकल हो सकता है अगर मनिंदर सिंह को रोक लिया गया तो। आप ये अभिनेश पे नजर जरूर रखिएगा, आज बहुत अग्रेसिव कबड्डी खेल रहे हैं लेकिन मनिंदर पे अटैक करेंगे या नहीं? करेंगे, जरूर करेंगे। पुनरी पल्टन के डिफेंडर्स ने आज मनिंदर सिंह को तीसरी बार बाहर किया, रुकने नहीं दे रहे उन्हें। बहुत ही जबरदस्त अटैक इसी है, रॉफ सुपर टैकल मगर की चक्कर। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने मिला, असलम इनामदार गए पहले लोअर बॉडी पे, उसके बाद पूरे टीम का सपोर्ट। डू और डाई रेड का वेट कर रहे हैं रेडर्स। श्रीकांत जाधव, उन्होंने वो कर दिखाया है जो मनिंदर सिंह इस वक्त नहीं कर रहे। 1 point बंगाल वॉरियर्स। वापस जरूर ले आए हैं मनिंदर सिंह को लेकिन पुनेरी पल्टन का प्लान कामयाब हो रहा है। मनिंदर को बाहर रखे श्रीकांत जाधव अफकोर्स। बहुत ही जबरदस्त रनिंग हैंड टच श्रीकांत जाधव का और मनिंदर को बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिल रहा है बंगाल वॉरियर्स की रेडर्स से। आप बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस को देखिए कितना आगे है, बॉक लाइन के करीब खड़े होकर इतना एडवांस खड़े हो रहे और उसका बंगाल वॉरियर्स की डिफेंस में दर्पण को हमने देखा है बार बार पॉइंट लीक करते हुए। असलम ने ललचाया, बोनस की कोशिश की और बहुत एडवांस चले गए दर्पण, बहुत एडवांस खड़े थे इनफैक्ट पूरे के पूरे डिफेंडर्स। और यहां ये ऑर्थोडॉक्स डिफेंस, ओल्ड स्कूल डिफेंस देखने को मिला। रेडर अपने खेमे में रुककर डिफेंडर्स ने श्रीकांत जाधव से गलती करवाई। गौरव खत्री पहले गए एंकल पे, उसके बाद अभिनेश नादराजन की तारीफ करना चाहूंगा। और आप ये बार बार देखें शुभम शिंदे किस तरीके से अपने टीम को लीड कर रहे हैं भले वो कैप्टन ना हो। बिल्कुल कप्तान मनिंदर है फिर भी शुभम शिंदे जो है पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं टीम में और ये बहुत ही जबरदस्त टैकल अभिनेश नादराजन का। रन आउट 1 point पुनरी पल्टन। बहुत ही क्विक था वो बैक होल्ड। अभिनेश नादराजन ने जो ये बैक होल्ड किया है इसका पोस्ट कार्ड बनवाइए और इनके घर भिजवाइए। मनिंदर सिंह एक बार फिर फैंस अपना ध्यान मैट की तरफ। मनिंदर सिंह ने अब
अपना उपवास तोड़ दिया है, मुंह खोला और निगल लिए तीन खिलाड़ी। रेडर सेफ, थ्री पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स। मनिंदर की तरफ से बहुत ही जबरदस्त रेड है मनिंदर का, बोनस की कोशिश थी, एडवांस आया अभिनेश, पावर लगा नहीं पाए मनिंदर के पावर के आगे, रोक नहीं पाई नितिन आए रेड पर। सुपर टैकल सिचुएशन है, हालांकि सुपर टैकल सिचुएशन में पुणे अच्छा करते हुए दिखी है पर गलती कराया नितिन ने। गौरव बंगाल वॉरियर्स एडवांस आने पर मजबूर कर दिया गौरव गलती करते हुए। ये देखे किस तरीके से नितिन कुमार को सोलो टैकल करने की कोशिश की गौरव खत्री ने। मनिंदर सिंह सुपर टैकल ऑन असलम इनामदार मोहित कोयत दोनों रेडर्स, लेकिन दोनों रेडर्स ने मिलकर डिफेंस का काम दिखाया, स्ट्रगल अभी भी जारी है। बलशाली मनिंदर क्या निकल पाएंगे, एक मछली की तरह वो जाल में फंस चुके हैं और दोनों असलम और मोहित ने बड़ी मछली फंस रही है। सुपर टैकल टू पॉइंट्स पुणे रिबल्टन, बहुत ही जबरदस्त टैकल है, रॉक सुपर टैकल मगर की जकड़, और असलम और मोहित के जकड़ से बचना मुश्किल है नहीं नामुमकिन हो गया मनिंदर को। बहुत ही जबरदस्त कोशिश करते रहे मनिंदर पर एंड वक्त तक छोड़ा नहीं मोहित ने। पांच पॉइंट्स की लीड है और एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है, कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। संकेत लेफ्ट कॉर्नर पर और दोनों रेडर्स एक बार फिर से सामने और दोनों रेडर्स एक बार फिर से जलवा दिखाया, पुनेरी पल्टन के शेर दहाड़ रहे हैं। रेड आउट सुपर टैकल टू पॉइंट्स लगातार दूसरा सुपर टैकल, रॉक सुपर टैकल मगर की जकड़, और असलम इनामदार का इस टैकल के बाद हाई फाई कंप्लीट हुआ। असलम इनामदार यू स्टार, बड़े ही तेज मोहित कोयत बिजली की तेजी से लेफ्ट और राइट कॉर्नर्स की तरफ दौड़ रहे हैं और सीधे सेंटर पर अटैक करने की कोशिश, एक बैक किक लेफ्ट कॉर्नर पर, ये मूवमेंट जारी है और एक टुक्की लगाने की कोशिश, बेहतरीन मामला, लेकिन मोहित कोयत को प्लीज गो बैक, शायद ये रिप्ले नहीं लेना चाहिए, बहुत करीबी मामला था लेकिन हमारी नजरों से अगर देखा जाए तो मिड लाइन के पहले ही मोहित गोयत रोक दिए गए थे। अच्छा सी पुल दे दिया है, शुभम शिंदे को हार जाना होगा, जर्सी नंबर 69 और ये ग्रीन कार्ड शुभम शिंदे को दिया गया है बिकॉज ऑफ जर्सी पुल। 8 पॉइंट्स का डिफरेंस है दोनों टीमों के बीच में, पूरब और पश्चिम के बीच की ये भिड़ंत है, ईस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस वेस्ट ऑफ इंडिया, बंगाल वर्सेस पुणे। जिम्मेदारी होगी सेकेंड हाफ, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पुनेरी पल्टन के लिए। श्रीकांत जाधव रेड पर है, ऋषांग देवाड़ीगा के एक वक्त पे सपोर्ट रेडर हुआ करते थे, क्या एक डिफेंडर का पैर बाहर गया, रेडर आउट, रेडर आउट पुनेरी पल्टन, बिल्कुल रेडर आउट दिया गया है यहाँ पर। ऋषांग को बहुत, श्रीकांत जाधव को बहुत अच्छे से जानते हैं आप? बिल्कुल श्रीकांत को बहुत अच्छे से जानता हूं, और ये जो टैकल शादलू का रनिंग चेन लेके आए थे, मोहित गोयत आएंगे सुपर टैकल सिचुएशन में, देखना होगा क्या ये तीन के डिफेंस में पॉइंट स्कोर कर सकते हैं। ओ सुपर टैकल में, यस प्लीज, रीजन क्या, क्या बोल रहे हैं, तो पूछना रीजन क्या, रीजन क्या, रेडर से 1 पॉइंट, ये गर्मी जा रही है यहां टीम पर, बंगाल वॉरियर्स चैलेंज ओनली रेडर आउट, आवर डिसीजन वन डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड फर्स्ट ही इन्वॉल्व द स्ट्रगल, रेडर से प्लीज रिव्यू। बिल्कुल क्लेम किया गया है कि वैभव गर्जे जो है वो सेल्फ आउट हुए पहले, तो ये देखना होगा कि टच होने के पहले सेल्फ आउट हुए थे या बाद में, तो ये पहले टच हुआ है उसके बाद शायद वो, यस पहले टच हुआ है उसके बाद वैभव गर्जे जो है वो लॉबी में गए थे। करीबी मामला, बहुत करीबी मामला, दोनों चीजें एक साथ हुई है। ऋषांग रिव्यू अनसक्सेसफुल, डिफेंडर आउट ऑफ बाउंड्स, 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन,
कैप्टन नो मोर रिवीज योर रिवीज ओवर बंगाल वॉरियर्स ऑल आउट के करीब एंड विश्वास विश्वास आए और बंगाल वॉरियर्स के लिए कोई विश्वास नहीं जगा पाए वन पॉइंट गौरव खत्री ने खतरू टैकल किया है यहां पर हालांकि बोनस जरूर बिल्कुल बोनस दिया है पर गौरव खत्री की तारीफ करना चाहूंगा रनिंग हैंड टच की कोशिश थी चेन लेके आए बहुत ही सॉलिड टैकल ये अरे बहुत ही आसान सरेड असलम के लिए बहुत ही आसान से पॉइंट ऑल आउट कर दिया है बंगाल वॉरियर्स की टीम को टैकल पॉइंट पुनेरी पल्टन के 14 और बंगाल वॉरियर्स के केवल 2 पुनेरी पल्टन की तरफ से लेकर गए हैं पॉइंट माहौल तो घमासान चल रहा है मंत्रा यहाँ पर जिस खूबसूरती से पुणे का डिफेंस खेलता हुआ नजर आ रहा है रेडिंग खेलते हुए नजर आ रहा है बिल्कुल थोड़ा सा आक्रामक डिफेंस होना होगा लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है आपकी मानसिक स्थिति क्या है और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से टीमें वापस लौटती है कितना एडवांस हाई होल्ड किया था लेकिन ये टीम वर्क जो टीम वर्क होता है डिफेंस में वो टीम वर्क करके दिखाया और इस टैकल को पूरा किया डिफेंस का जिक्र करें तो संभवतः इस तरह के आंकड़े बहुत बिरले देखने को मिलते हैं जब किसी टीम ने डिफेंस में 15 और ये 16वां पॉइंट हासिल कर लिया 16वां पॉइंट पुनेरी पल्टन चलिए यहां बोनस ऑन है फुल हाउस 6 से ज्यादा डिफेंडर मैट पर हो तो बोनस ऑन रहता है और असलम इनामदार से खास करके बच के रहिए बहुत बढ़िया खेल रहे हैं लेकिन शायद बाहर जाएंगे मोहित Please go back. Wait for decision. Bonus to Raider. Raider out 1 point. Puneri Pulton. चलिए आखिरी 10 मिनट का वक्त बाकी और मोहित बंगाल को क्या करना होगा अगर इस 14 पॉइंट से आगे वापस आना है फिलहाल एक और कामयाबी 1 point. Puneri Pulton. भाई आज तो पुणे की डिफेंस जिस तरह की हरकत कर रहा है उसे देख करके तबीयत खुश हो रही है इतना जबरदस्त ब्लॉक मनिंदर ने ट्राई तो की थी बोनस की लेकिन जो कवर आए हैं जो 4 की जर्सी के पुनेरी पल्टन के कवर थे जो टैकल किया जो डैश किया मनिंदर को कितना शानदार डैश किया था आखिरी 7 मिनट के आसपास का वक्त बाकी और अब रेड करने आए हैं सुयोग बिल्कुल जितने विकल्प हैं अपने पास सबका इस्तेमाल कर लीजिए लेकिन आज तो रोकना मुश्किल है ये गरज रहा है मोहम्मद रेजा शादलू का बेहतरीन डबल थाइस पर अटैक शादलू ने आते ही सुयोग के थाई होल्ड किए और हिल नहीं पाए सुयोग और सुयोग के योग खराब हो गए अरे योग पलट दिए यहाँ सुपर टैकल सिचुएशन बंगाल वॉरियर्स आज की रात एक बार भी सुपर टैकल में कामयाब नहीं रही और जिस रफ्तार से मोहित गोयल खेलते हुए नजर आए हैं इस पूरे सीजन में बहुत मुश्किल है मोहित गोयल को रोक पाना और यहां कामयाबी यहां ऑल आउट बंगाल वॉरियर्स 4 पॉइंट्स पुणे रिबल्टन बंगाल वॉरियर्स के लिए आज का दिन भूलने वाला दिन है जिंदगी में और यहाँ बड़ी कहानी ये है कि टीम मनिंदर को रिवाइव नहीं करा पाई जब टीम ऑल आउट हुई तब मनिंदर वापस आए बिल्कुल यही परेशानी का सबब और लीजिए फिर शुरुआत यकीन मानिए मेरी याददाश्त में हमने इतना बड़ा फासला डिफेंस और रेड पॉइंट पे कभी नहीं देखा 19 टैकल पॉइंट पुणे के ये 20वां टैकल किया उन्होंने और 12 रेड में पॉइंट्स जिस आक्रामकता के साथ ये डिफेंस उतरा टीम सुपर टैकल मारे और उसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल दी मनिंदर को बाहर बैठा करके रखा और उसी का नतीजा है एक बार फिर गिर गए मरिंदर ऐसा लग रहा है कि अपना फुटबॉल भूल गए पुणे रिबल्टन अंदर चले गए और डिफेंस को उन्होंने तोहफा दे दिया बिल्कुल सीजन 10 में
एक मुकाबला अगले मुकाबले से किस तरह से भिन्न हो सकता है वो हमने देखा। पुनेरी पलटन कल मुकाबला हारे लेकिन पुनेरी पलटन खेल रहा है। पुनेरी पलटन का जो डिफेंस जो रेडर और डिफेंस ने करके दिखाया है यहाँ योगदान दादा रेडर ने भी अपना डिफेंस में उतना ही दिया है और वहीं से कम बैक किया है। कल की गलतियों से सीख के आज जो एकता दिखाई है पुनेरी पलटन ने शायद वो बड़ी अच्छी है। और मोहित हम यही बात कर रहे थे एक और कामयाबी पुणे की डिफेंस की और यही बात हो रही थी मोहित की कल रेडर आउट पुणे का डिफेंस अलग खेल रहा था, रेडिंग अलग खेल रही थी, एक साथ नहीं खेल रहे थे, आज एक साथ खेल रहे हैं। रेडर पॉइंट ला रहे हैं तो डिफेंडर गवा नहीं रहे। अब देखिए श्रीकांत जाधव सपोर्ट रेडर है, अच्छे खासे रेडर है, आज 7 बार टैकल हुए और सिर्फ 1 पॉइंट उन्होंने हासिल किया। अगर डिफेंस किसी टीम की रेडिंग यूनिट को तोड़ देती है तो फिर उसके बाद संभावना बचती नहीं। और इस सीजन एक्शन और 10 गुना ज्यादा बढ़ता हुआ दिखा, कितना ज्यादा कंपटीशन दिख रहा है इस सीजन में। कल रात एक अलग पुनेरी पलटन थी, आज एक अलग पुनेरी पलटन है। कल तक बंगाल वॉरियर्स अनबीटन थे और आज दृश्य बदल चुका है बिल्कुल। कुणाल ये पुनेरी पलटन ने कल से कितनी सीख ली है और वही देखने को मिल रहा है जो ये डिफेंस किया है डू और डाई रेड पे। और यहाँ डू और डाई रेड आखिरी 70 सेकंड के आसपास का वक्त बाकी। पुनेरी पलटन के बंपर शेराज गर्जे और शादलू का एक और बेहतरीन एंगल होल्डर। पुनेरी पलटन ने रचा इतिहास, प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा डिफेंस के पॉइंट एक मुकाबले में अगर आए हैं तो वो है 23, जो कि आज पुनेरी पलटन की टीम ने पुनेरी पलटन रच के दिखाया। यहां एक और बार ऑल आउट किया बंगाल वॉरियर्स को, लेकिन कबड्डी में ऑल आउट के बाद ऑल इन भी होता है। जिंदगी में अगर घर बनाना है, अपना नाम कमाना है तो मौका सिर्फ एक बार मिलता है, तो डरना क्या, ले पंगा। शादलू भाऊ बहुत बहुत मुबारक, गौरव भाऊ बहुत बहुत मुबारक। पुनेरी पलटन का डिफेंस, पुनेरी पलटन के डिफेंस ने सच में कदर बना दिया और इतिहास के पन्नों में प्रो कबड्डी में अपना दोबारा नाम लिख दिया कि सबसे ज्यादा टैकल पॉइंट किसने किए, पुनेरी पलटन की टीम ने। आखिरी 15 सेकंड का वक्त बाकी, अभिनेश नागराजन 4 टैकल पॉइंट पे हैं, एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मार देना चाहिए। आज जिस हिसाब से पुणे का डिफेंस चल रहा है वो सब जगह टैकल पॉइंट लेके आएंगे। फिलहाल इस मुकाबले के बाद अब बंगाल वॉरियर्स भी इस सीजन हार की शक्ल देख चुकी है, अब कोई ऐसी टीम नहीं इस सीजन जो अनबीटन है। लेकिन जोरदार तालियां हो जाए पुनेरी पलटन के लिए, कल अपने होम लेग में पहले दिन जिस तरीके से हार मिली उसके बाद उन गलतियों से सीख कर इतना बेहतरीन कमबैक किया पुनेरी पलटन ने जिसका कोई जवाब नहीं। पुनेरी पलटन ने बंगाल वॉरियर्स की अनबीटन स्ट्रीक पर रोक लगाई और टीम के स्टार रहे सारे खिलाड़ी, आज जीत का ताज किसी एक खिलाड़ी के सर पर नहीं रख सकते। असलम टीम के कप्तान बहुत बढ़िया खेले, शादलू बहुत बढ़िया खेले।